हेलो व्यूज, हाउ आर यू। आज का टॉपिक है AFT, सशस्त्र बल सदस्यों की समस्याओं का हल। क्या सशस्त्र बल के सभी व्यक्तियों को की सभी समस्याओं का, शिकायतों का हल निर्माण AFT करता है? आप सभी भारत के नागरिक हैं, इससे पहले कि आप सशस्त्र बल के सदस्य कहलाते हैं, आपको ये जान लेना चाहिए। और जब आप भारत के नागरिक हैं तो आपके ऊपर भारत के सभी कानून लागू होते हैं समानता रूप से, चाहे आप फौजी हों। चूँकि आप फौजी हों, सशस्त्र बल के सदस्य हों, इसलिए आप पर एक अतिरिक्त कानून लागू है, यानी कि आपकी डबल जिम्मेवारी है। इसी प्रकार में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो भारत के नागरिक होने के नाते सभी भारतीय कानून आप पर लागू होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यदि कानून लागू होते हैं तो उन कानूनों में दिए गए अधिकार और संरक्षण भी आपको लागू होते हैं, यानी कि यदि पनिशमेंट है तो वेलफेयर भी है। किंतु सशस्त्र बल का सदस्य होने की वजह से आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेवारी सशस्त्र बल के कानूनों का अनुसरण करने की भी है। आर्मी, नेवी, वायुसेना के कानूनों का उल्लंघन करना आपको वर्जित करता है। सिविल में क्राइम का हल सिविल न्यायालय है और क्रिमिनल कोर्ट है और हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। किंतु सशस्त्र बल में की से संबंधित सभी शिकायतों, डिस्प्यूटों का समाधान सिर्फ AFT में होता है। सामान्यतः कोर्ट मार्शल के प्रकरणों में चल रही कार्रवाई में सुनवाई सिर्फ AFT में होती है। AFT में अपील की जा सकती है कोर्ट मार्शल के सेंटेंस के विरुद्ध। सिविल कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। सिविल कोर्ट में यदि आपको अपील करनी है तो आप मानहानि की कर सकते हैं, आपका शोषण हुआ है, शोषण के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। डायरेक्ट आप SC में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक स्पेशल एक स्टेटस वाले व्यक्ति हैं, स्पेशल स्टेटस वाले। आपकी कोई भी शिकायत, समस्या का हल करना सिर्फ AFT का ही कार्य नहीं है, अपितु याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कभी ये कर्तव्य बनता है। ऐसा इसलिए कि आप चुनिंदा सदस्यों में से हैं, चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं जो भारत की 1.3 अरब आबादी में से पहले 5 करोड़ व्यक्तियों में शुमार है। कोई भी विधि, चाहे जो भी विधि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विधि है व्यक्ति के लिए, कोई भी विधि व्यक्ति को हानि के लिए नहीं बनाई गई, बशर्ते उसका उपयोग व्यक्ति की भलाई और बचाव के लिए किया जाए। AFT से जुड़ा हुआ मेरा एक वीडियो पहले भी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका नाम है व्हाट इज़ AFT। आप वहाँ से जान सकते हैं कि AFT है क्या चीज़, कैसे कार्य करता है, कहाँ कहाँ उसकी शाखा है। और जल्दी में इससे संबंधित और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं थोड़ा और आपको जानकारी दूँगा इससे जुड़ी। तो सबसे पहले आप मेरा वो वीडियो देखिए, फिर ये देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि जानकारी उचित लगे, अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और यदि ऐसे ही जानकारी भरे या आपके काम आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो बेल बटन को ज़रूर दबाएं। और इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। जय हिंद, धन्यवाद।